ये MS ऑफिस 2010 है, इसके अंदर कंटिन्यू किया गया है पूरा टॉपिक वाइज, ठीक है। इस पिछले सेशन में मैंने बताया था हेडर फुटर, और इस सेशन में बताऊंगा मैं टेक्स्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे यूज़ करेंगे उसको देखो। ये अलग अलग बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, इनमें टेक्स्ट वगैरह होता है। इनको यूज़ करने का बहुत आसान तरीका, इक्वल करो, डमी टेक्स्ट बना लो, ठीक है ना। एंटर प्रेस करो, देखो डमी टेक्स्ट आ गया। और भी मंगाना चाहते हो तो डमी टेक्स्ट मंगा लो। अगर इसमें कुछ और चाहते हो, मान लो आपको पैराग्राफ चाहिए 6 कॉमा और 4-4 लाइनें के, वो मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ मिल गया। अब देखो इस चीज़ को क्या करना है, हमें बॉक्सेस इस्तेमाल करना है। आप कोई बुक पढ़ते हो NCERT वगैरह का, आपने नोटिस किया होगा कुछ चीज़ें मिल जाती हैं आपको, जैसे क्या, हमें क्लिक करना है बॉक्स पे। हम चाहते हैं कि एक बॉक्स मिले यहाँ पे, इसका क्वेश्चन सीरीज हो। देखो ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट था ना, ये वाला सेट हो गया। और इससे रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चन सीरीज होता है यहाँ पर, या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है तो यहाँ पर लिख दिया जाता है। या एक और तरीका है यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करने का, अगर कुछ दूसरे टाइप चाहते हो टेक्स्ट बॉक्स तो मंगा सकते हो, या बीच में जाते हो, देखो ये टेक्स्ट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यानी कुछ जो बेसिक पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मैथ फार्मूला लगाते हो, ठीक है, कोई मैथ का बुक पढ़ते हो तो उसमें नीचे कुछ दे दिया जाता है ना, पूरे बुक का सारांश, ठीक है ना, संक्षिप्त में दे दिया जाता है उसके बारे में। तो इस जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो इसमें दिया जाता है। और भी कुछ तरीके हैं, देख लो इसको, इसे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, समझ में आए। तो टेक्स्ट बॉक्स का ऐसे यूज़ करेंगे। इसके बाद देखो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन होगा क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल हम अलग तरीके से करेंगे। क्विक पार्ट्स में पूरा पूरा सेटिंग होगा ऑटो टेक्स्ट का। और देखो बाय डिफॉल्ट जो हमने लिख के रखा है, जो हमारी कंपनी का जो सिस्टम का नाम था वो आ गया। इसके बाद एक और चीज़ समझो, इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। अगर कुछ दिखाना चाहते हो कि टाइटल ना आए, केवल डायरेक्टली नाम हो, तो क्या करेंगे हम, इनका इस्तेमाल करते हैं क्विक पार्ट का। क्लिक करेंगे और जैसे आपको दिखाना है सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट डायरेक्टली आ गया, तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे सेशन, क्या लिख देना, टेक्स्ट सेशन, समझ में आया। ये डायरेक्टली देखेगा केवल, अब जिस पे कर्सर ले जाएंगे तब बताएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है, ओके ना। मतलब क्या, जिसका टाइटल ना लिख करके हम डायरेक्टली कंटेंट लिखते हैं, ओके। इसके बाद फील्ड की बात करें, क्लिक करो। फील्ड में क्या होता है, हम अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। इसमें हम एक फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे। चलो देखो ये टेबल हमने ले लिया, और मैं जोड़ के दिखाता हूँ कुछ नंबर। हमने लिखा 100 और मैं इसमें लिख देता हूँ 200, इसको जोड़ दिया जाए। बिल्कुल अभी देखो जोड़ देंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, क्विक पार्ट पे जाओ, फील्ड पे जाओ, यहाँ पे लिखा होगा फार्मूला, क्लिक करो। देखो यहाँ लिखा है इक्वल सम ब्रैकेट लेफ्ट, ओके करो, समझ में आया। तो इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अगर आपके पास और भी कॉलम वगैरह हैं तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। ये देखो आपके पास और कॉलम बढ़ा दो। अब देखो मान लो यहाँ पे मैं कुछ नंबर दे दूँ, 600, 150, 60 या 600 कर दो। अब इसको जोड़ना है मुझे, मान लो यहाँ पे 400 किया, तो क्या करोगे, वापस जाओ इंसर्ट पर और किक पार्ट पे जाओ, फील्ड पे जाओ, यहाँ लिखा है फार्मूला। अब देखो यहाँ लेफ्ट लिखा है ना, ठीक है, तो जाहिर सी बात ओके कर दो, आ गया 1750। तो एक्सेल में ना आप कोई मार्कशीट वगैरह बना रहे हो, कोई डेटा बना रहे हो, तो इस तरीके, एक्सेल नहीं MS वर्ड है, MS वर्ड में भी हम जोड़ घटा सकते हैं, समझ में आया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और एक और चीज़ समझो यहीं पर, अगर मेरे पास कुछ नंबर है, जैसे 8 है, 5 है, और मैं लिख दूँ 6 यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ नंबर है तो अब इसको जोड़ सकते हो उसी माध्यम से, ठीक है। और कुछ और चीज़ समझो, अगर मल्टीप्लाई करना हो तो Ctrl F9 करो, इक्वल करो, यहाँ लिख दो आप 2 × 8, इसको क्या करो, F9 करो, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लो देखो यहाँ पे कुछ जोड़ना है, कुछ आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, तो Ctrl F9 प्रेस करो, इक्वल करो। अगर आपको चाहिए कि कोई मल्टीप्लाई करना है 15 × 5, ठीक है, तो फिर F9 प्रेस कर देना, तो क्या कर देगा, तुरंत वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्विक पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और पार्ट्स के, जिसे क्या कहते हैं इसको, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पर क्लिक करो, देखो यहाँ पे वर्ड आर्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ वर्ड नाम लिखेंगे, हमने लिख दिया सोशल फील्ड,
लिखा यूट्यूब, YOUTUBE। अब देखो ये चीज़ थोड़ा अजीब लग रहा है ना, इसको सेलेक्ट करो और फॉन्ट को भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल पहले दे दो जो फॉन्ट स्टाइल सेट होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब वो जो लगे सही आप सेट कर लेना। इसके बाद देखो फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ लिखा होगा ट्रांसफॉर्म, इसको चेंज कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट देखो यहाँ से, है ना। तो इनका भी ऐसे इस्तेमाल कर पाओगे। ये रेड कलर होता है, इस पर वो लाइनिंग मिस्टेक, जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है ना, इसको सेट कर सकते हो यहाँ पे, ये ठीक है। अब देखो ये चीज़ बन चुका, इसको आप कुछ डिफरेंट टाइप देना चाहते हो लुक, देखो आ गया लुक, ठीक है। क्लिक करो और फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो फॉर्मेट चेंज कर लो, बॉक्स चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो, ये देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, समझ में आया। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये सब ऑप्शन मिलता है हमें। ओके, तो हम कोई भी एडिट कर सकते हैं ढंग का टेक्स्ट, किससे, वर्ड आर्ट से 3D टेक्स्ट बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, इसमें कोई पैराग्राफ है, इसका पहला वर्ड लेटर बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने, कोई वर्ड है जो टी से शुरू है, ठीक है, हमने लिखा टी, इसको सेलेक्ट किया और ड्रॉप कैप क्लिक करो, यहाँ पर ड्रॉप कैप लिखा है क्लिक कर दो। इससे क्या होता है, ये जैसे कि टी से दो लाइन तीन लाइन शुरू हो गया, जैसे टी से टाइम हो गया, टी से टाइम सिंड्रोमन हो गया, ठीक है, या टी से टोटल हो गया, तो इसका यूज हम पेपर में आपने नोट पेपर में बुक में आपने देखा होगा ड्रॉप कैप ऐसे इस्तेमाल होता है। ये दो लाइन के भी दो लाइन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तीन लाइन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा हुआ लाइन स्पेसिंग, देखो लाइन ड्रॉप, अगर आपको चार लाइन के लिए चाहिए ओके करो, ये चार लाइन के मिलेगा, समझ में आया। अगर दो लाइन के लिए चाहिए तो आपको दो लाइन का भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, ओके करो, समझ में आया। चलो इसके बाद हम बात करेंगे, अगर कुछ स्लिप स्लिप वगैरह बना रहे हो तो उसमें क्या करोगे, सिग्नेचर लगाओगे ना, क्लिक किया ओके करो, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दो, लिख दिया अपने फ्रैंक, और नाम लिख दो उनका AHMAD, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस दे दो, ओके करो, देखो यहाँ पे आ गया, समझ में आया। यानी किसी स्लिप में लगाना चाहते हो इस चीज़ को तो लगा सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, क्लिक करो, ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए पेंट ओपन करना, ओके करो, कोई सिग्नेचर वगैरह लगाना चाहते हो तो यहाँ पे ओपन करो और अपना सिग्नेचर वगैरह कर लो अच्छे से, ठीक है, इसको कट कर दो, ये डायरेक्टली आ जाएगा, समझ में आया। और इस चीज़ को आप चाहते हो कि यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, आपको शेप लेना होगा, शेप लेकर इसको ड्रॉ करना पड़ेगा और राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करो। अब इस चीज़ को उठा करके इसको मूव कर दो सीधा सा, समझ में आया। ओके, अब क्या करना, इसको थोड़ा सा और सेट कर लो हल्का सा, और इस सेप पे क्लिक करो, सेप पे क्लिक करके इसको रख दो जहाँ चाहिए, रख दिया, और सेप पे जाओ, सेप का जो लाइनिंग है इसका सब सब कुछ आउटलाइन को नो कर दो, देखो यहाँ से नो लाइन कर दिया, समझ में आया। तो इस तरह से सिग्नेचर सेट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे आपको डेट टाइम लगाना है तो क्लिक करते हो आप, और देखो ये डेट टाइम फॉर्मेट अलग अलग है, क्लिक करो ओके करो, आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। एक और चीज़ समझ लो, कुछ और चीज़ यहाँ पर हम सिंबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें मैं बताऊँगा कैसे हम पेपर बनाते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वो बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, अगर पसंद आया तो कमेंट लाइक करके बताएं।